गर्मियों में कैरी देखकर अचार डालने का मन हो ही जाता है। हर साल हम कैरी की अचार डालते हैं, सोचते हैं रखी है इस बार नहीं डालेंगे, लेकिन अचार न डालें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज लाई हूँ पंजाबी अचार, बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसे जरूर बनाइए। इतनी मसालेदार अचार देखकर मन हो रहा है ना बनाने का, तो इसे आप जल्दी से बना डालिए। पिछले साल मैंने 20 किलो अचार बनाई थी, आप सभी जानते हो, और उस रेसिपी को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं दे दूंगी, उसे आप जरूर देखिए। आज की जो अचार है थोड़ी डिफरेंट है, उससे भी डिफरेंट है, क्योंकि ये पंजाबी अचार है। वो किस चीज में डिफरेंट होती है ये चीज आप आगे समझेंगे। 2 kg मैंने कच्चे आम लिए हैं, उसका ऊपर का पार्ट हटाया है। अब मैंने जब इसे छीला तो मुझे ये पता चला कि अमिया को काटना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर पक्की हो चुकी है। जब ये कच्ची होती है तब हम ऐसे ही काटते हैं। और हाँ, अगर घर में किसी के भी घर में ये कैरी काटने वाला नहीं है और किसी सब्जी वाले ने भी नहीं काट के दिया, तो आप क्या करोगे, इसे इस तरीके से काट सकते हो जैसे मैंने अभी आपको काट के दिखाया। पर अगर आपके यहाँ मशीन है तो आप इस तरीके से काटिए और फिर इसके छोटे छोटे पीस कीजिए। वैसे तो अचार में जितने छोटे पीस होते हैं उतने अच्छे होते हैं, पर इस बार की मैंने बताया ना, कुछ चीजों में डिफरेंट होती है ये पंजाबी अचार, तो हमें बड़े बड़े पीस काटने हैं। लंबे भी काट सकते हो, चौकोर भी काट सकते हो, लेकिन आप बड़े पीस काटिए। आप चाहें तो इसी अचार को छोटे पीस में कर सकते हो, पर जो ट्रेडिशनली बनती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने देखा सारी अचार को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, बीज का पार्ट हटा दिया है, बहुत ही बढ़िया साफ कर दिया है, लेकिन धोया मैंने पहले ही था। बाद में हम जब काटते हैं उसके बाद हमें धोना बिल्कुल नहीं चाहिए, पहले हम धो लें, उसके बाद पोंछ लें, उसके बाद ही कैरी को काट लें। अब इसे कैरी को काट कर मैंने एक तरफ रख दिया है। अब चलते हैं मसालों को भूनने। तो मसालों में मैंने क्या लिया है, पीली राई दाल। अब जो ये राई दाल मैं ले रही हूँ वो मुझे कितनी लेनी है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप टेबल स्पून से देखेंगे तो 6 टेबल स्पून है, और नहीं तो आप आधा कप समझ लीजिए। इसे भी हमें हल्का सा सेकना है, हर मसाले को अलग अलग सेक लीजिए। 6 टेबल स्पून, 6 से 7 टेबल स्पून मोटी सौंफ ली है। ये जो पंजाबी अचार होती है उसमें एक तो डिफरेंस ये होता है कि उसमें बड़े बड़े पार्ट होते हैं, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसमें मसाला अति होता है, मतलब इतना चिपटा हुआ होता है पूरे पीसेस के ऊपर कि मसाला ही मसाला लगता है, और मसाला काफ़ी मोटा मोटा भी होता है। सौंफ जो है मोटी सौंफ, उसे भी मैंने 6-7 टेबल स्पून ले लिया, उसे भी मैंने सेक के अलग रखा है। अब लिया है मैंने 2 टेबल स्पून मेथी दाना, जिसे मैं हल्का सा सेक कर अलग रख देती हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है जीरा, 2 टेबल स्पून लिया है सूखा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लिया है काली मिर्चे। इन सबको सेक के मैंने निकाल दिया। 2 टीस्पून मैंने लिया है मैंग्रोली सीड्स, जिसे हम अनियन सीड्स भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जो हमें राई दाल और मैंग्रोली सीड्स हमें नहीं कूटनी होती है तो इनको मैंने अलग रख दिया है। बाकी के सामानों को मैंने अलग रखा है, उनको मैं पीस रही हूँ, लेकिन ठंडा करके, पीसना नहीं है दरदरा, बस 1-2 बार आपको चर्न करना है, उसे काफी है। ये अचार आप डाले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत अमेजिंग होती है। ये देखिए मैंने मसाला कितना पीसा है ना, बहुत ही लाइट। अब क्या करते हैं, अचार को एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं, उसमें हमें डालना है नमक और हल्दी। नमक हमें कितना डालना है इस बात के लिए मैं आपको समझाऊंगी। 1 किलो में 100 ग्राम आपको नमक डालना है, कम से कम 75 ग्राम तो आप जरूर डालें, मतलब कुल मिला के 2 किलो कैरी है तो 150 से 200 ग्राम आपको नमक जरूर डालना है। नमक ज़्यादा डालने की वजह से ये कैरी जो है बहुत ज़्यादा दिन चलती है, खराब नहीं होती, और तो और इसमें तेल भी बहुत कम डलेगा तब भी अचार बहुत अच्छे से चलती है। इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर भी डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें और मसाले भी डालते जा रहे हो, मिलाया भी नहीं, नमक भी नहीं मिलाया, पहले वाली अचार में तो मिलाया था, ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अचार बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भर के मैंने तीखी मिर्च डाल दी है। अब ये जो मसाले मैंने कूटे थे वो डाल दिए, 1 चम्मच डाल दिया मैंने हींग। इनको सब को हम मिक्स करेंगे, जो मैंने मसाले कूटे थे वो भी डाल दिए, और जो राई मुझे कूटनी नहीं थी वो भी डाल दिए। आपके पास राई दाल ऐसी ना हो, नॉर्मल राई हो, तो उससे आप हल्का दरदरा कर लें। सारे मसालों के साथ मैंने अचार को मिक्स कर दिया है, और एक जार में या एक बर्तन में रख दीजिए।
अब मैं बताती हूँ, जैसे नमक का और कैरी का जो पानी रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, ये जो मसाले हैं ना वो अपने आप में फूल जाएंगे। मतलब अभी हम तेल वेल नहीं डाल रहे, अभी 4 दिन के लिए मैं इसे कपड़े से ढककर बांध दूंगी, रोज थोड़ी थोड़ी देर चला लूंगी। और वो जो नमक वाला पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें यूज करना है जैसे मैंने लास्ट ईयर यूज किया था। लेकिन अभी जो है पानी आपको दिखेगा नहीं, वो पानी पूरे मसाला सोख कर लेंगे और फूल से जाएंगे मसाले। ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये अचार का मसाला फूलता जाएगा और कैरियों पर चिपक जाएगा। फिर से हम कपड़ा बांध के इसे रख देते हैं। अब दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कंडीशन। जैसे जैसे आप देखेंगे सारा पानी अचार का जो होता है मसाले पीते जा रहे हैं और कैरियों पर चिपकते जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ये अचार बनेगी। आप चाहें तो इसे मीठा भी कर सकते हैं थोड़ा गुड़ या चीनी डालकर, पर ये बहुत गजब की अचार बनेगी। बहुत ही कम तेल में बिना धूप के बहुत ही टेस्टी अचार बनेगी। फिर से हम इसे कवर करके रखते हैं। अब बारी आती है चौथे दिन। 4 दिन में जितना पानी उसने रिलीज करना था पूरा कर लिया, सारे मसालों ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से हमारी अचार ख़राब नहीं होगी और तो और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये कैरियाँ भी जो है ना ये भी थोड़ी सी पक गई हैं, मतलब ऐसे ही अगर आप खा के देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी लग रही है अचार बिना तेल डाले भी। अगर आपको एक बूंद तेल नहीं डालना है तभी भी आप ऐसे ही रख सकते हो जार में भर के। 5वें दिन अब हम इस अचार को खोलते हैं, अब इसको फाइनल टच देते हैं। अचार की शक्ल बहुत बढ़िया सी हो गई है, उसके छिलके बिल्कुल थोड़े कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल खाने लायक अचार हो गई है। लेकिन हमें अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, तो मैं करीब करीब 1 कप ऑयल को गर्म कर लेती हूँ और उसे गर्म करके ठंडा कर लेती हूँ। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें जिससे ऑयल थोड़ा लाल लाल सा लगे। मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। अचार का मतलब है चटपटा और तीखा होना चाहिए। अब ये मैं मिला के इसमें पूरा पलट देती हूँ, लेकिन याद रहे ऑयल ठंडा हो जाए तभी ये मसाले डालें। अब ये लाल रंग की अचार बहुत ही अमेजिंग सी बनी है, बिल्कुल मार्केट में इसी टाइप से अचार मिलती है। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना मसाला कितना इन पीसेस में चिपक गया है। नॉर्मल अचार जो डालते हैं उससे और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। बिल्कुल भी हमें पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरा पानी इसमें समा सा गया। मैं यहाँ पर आपको एक बर्तन में निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया सा दिख रहा है। कैसी लगी ये अचार बनाने की रेसिपी मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको एक जार में भी डालकर दिखा रही हूँ। जार जो होना चाहिए कांच का होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें, या फिर चीनी मिट्टी का होना चाहिए और वो साफ और सूखा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसे जार में भर दिया है। जब इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसने बहुत अच्छे से पूरी साल भर, क्या जब तक अचार आपकी है ये चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और मुझे पता है, गारंटी है, आप ये अचार बनाएंगे ज़रूर और बनाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये अचार आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मेरे छोटे छोटे 2 जार थे, मैंने दोनों में भर लिया है और इसे मैं एक तरफ रख दूंगी। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस अचार का इसी तरीके से पूड़ी पराठा या किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे व्यूअर्स में कोई पंजाबी फैमिली है वो मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ सच में ऐसी अचार बनती है, क्योंकि मेरी मम्मी की सहेली ने मेरी मम्मी को ये अचार बनाना सिखाया था।